हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी के करंट अफेयर मैं लेकर आया हूँ। इस करंट अफेयर सीरीज में जो है टोटल 10 क्वेश्चन शामिल किया जाता है और उससे जुड़ी जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं वो भी मैं करा देता हूँ। और ये सारे जो 10 क्वेश्चन है वो कुछ मिनट में, 6-7 मिनट में जो है वो टोटल करा दिया जाता है, ताकि करंट अफेयर की तैयारी कम समय में अच्छे से हो सके। और दोस्तों, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। दृष्टि का जो है से ये भी स्टार्ट कर दिया टेस्ट सीरीज, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज डाल दिया गया, तो वो आप देख सकते हैं। और एडिटोरिया का भी जो है टेस्ट सीरीज जो है अब स्टार्ट कर दिया गया है, वो बिहार स्पेशल का, तो वो भी जो है पहला लेक्चर उसका डाल दिया गया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेट का। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का जो है करंट अफेयर। उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग देखेंगे जो 10 क्वेश्चन है कि वो क्या है 10 क्वेश्चन, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते। तो वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज जो है शतरंज खिताब दोनों किसने जीता है, तो वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन ए जो इसका इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के हैं। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण अभियान शुरू किया है। तो NTPC कहाँ जो है हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण अभियान शुरू किया है भारत का पहला, तो वो किया है गुजरात में। गुजरात आया है, तो गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क है, वनसडा नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ जो त्यौहार मनाया जाता है जैसे नवरात्रि, गरबा। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, सन टेम्पल मोढेरा में है, और देश का पहला सौर विलेज मोढेरा गुजरात में बना। गरबा को यूनेस्को के सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है, और गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, और IPL 2022 का खिताब जो है गुजरात टाइटंस ने जीता। और गांधीनगर में जो है देश का पहला लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, और पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का भी अनावरण गांधीनगर में किया गया। तो ये थी गुजरात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्राप्त होगा। तो असम वैभव जो है वो किसे दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया को जो है असम का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी IFFHS द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो किसे चुना गया है जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो वो चुना गया है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी हुआ आया, तो अभी जो है से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कतर में आयोजित हुआ, जिसको जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर वो जीता था, और इसमें जो है से गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को मिला था जो अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन ग्लोव का अवार्ड मिला था वो मार्टिनेज को, ये अर्जेंटीना के गोलकीपर थे, और जो है गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला है एम्बापे को वो फ्रांस के प्लेयर हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 किसने जीता। तो यूएन का जो हैबिटेट अवार्ड है वो किसने जीता है 2023 का, तो वो जीता है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा ने जीता है जागा मिशन के लिए। तो जागा मिशन के लिए उसने जीता है, जागा मिशन जो है सलम को जो है ये करने के लिए, हटाने के लिए सलम एरिया को जो है उसका जो है रिनोवेट करने के लिए जो है जागा मिशन जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया, तो वो जो है इस बार का हैबिटेट यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 उसने जीता है। उड़ीसा आया, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है, और यहाँ के जो मुख्य राज्यपाल है वो है गणेशी लाल। उड़ीसा में जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक भी है जो सबसे बड़ी जो है खारे पानी की लेक है। उसके बाद कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नुआखाई त्यौहार जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, राजा पड़वा उड़ीसा में मनाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, श्री जगन्नाथ टेम्पल है, सन टेम्पल है, और जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अम्लन एनीमिया मुक्त अभियान शुरू किया, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग में उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा, और राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 उड़ीसा ने जीता, और ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू किया गया। ये थी उड़ीसा से जुड़ी कुछ जानकारी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा।
तो जल पर जो है पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा, तो वो होगा भोपाल में। और इसका थीम क्या है इस बार का, तो वाटर विजन एट 247, 2047, तो वाटर विजन एट 2047। और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में बाणा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, और सतपुरा विद्या की पहाड़ी में मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद जो है से अखिल भारतीय कालिदास समारोह 2022 उज्जैन में आयोजित किया गया। उसके बाद हिंदी भाषा में BBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का ही बुरहान जिला जो है देश का पहला हरगढ़ जल प्रमाणित जिला बना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के थीम देश कौन होगा, तो ये जो है 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के थीम देश कौन होगा, तो वो होगा स्पेन। स्पेन जो है इसका थीम देश होगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है पेड्रो सैंचेस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड पाने वाले मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है, तो मोहम्मद इरफान अली को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो वो है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो बैंक ऑफ सिंगापुर के जो सीईओ नियुक्त किया गया वो नियुक्त किया गया है जेसन यू को। जेसन यू को जो है बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है कि जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किसने शुरू किया है, तो ये अभियान किसने शुरू किया है, जहां ट्रस्ट वहां जहां बंधन वहां ट्रस्ट, तो ये शुरू किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक इसका आंसर हो जाएगा, बंधन बैंक ने शुरू किया है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर सीरीज में इतना ही, फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।